बहुजन टीवी में आपका स्वागत है, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है, बहुजन मीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज के क्रांतिकारी युवा सरदार बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी, आपका न्यूज़ चैनल में स्वागत है। क्रांतिकारी चैनल सरदार जी, कहीं भी आपको देखा जाता है बड़े क्रांतिकारी रूप में रहते हैं। आपने तथागत गौतम बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, काशीराम साहब के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, उसके क्या रीज़न है कि इस तरीके से आप क्रांतिकारी चीज़ों को लेते हैं? देखिए, कुछ समय पहले की बात है, पहले मैं अम्बेडकर बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, जबकि मैं दलित समाज से वर्ग से ही आता हूँ, लेकिन पिछले कुछ साल पहले मैंने नहीं पढ़ा था। तब मैं सर्व समाज की बात करता था, अलग अलग क्षेत्रों में एजुकेशन के बेसिस पे काम करता था। लेकिन जब झुग्गी और बस्तियों के अंदर गया तो देखा, मैं सबका घर तो साफ करने की बात कर रहा हूँ, सुधारने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना घर ही खुद का फूका पड़ा है। तब मुझे किसी ने बाबा साहब की पहली किताब मुझे हाथ में दी गई। उसके बाद जब मैंने बाबा साहब को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे पहली बार पता लगा कि हमारे ही समाज में इतने बड़े बड़े महापुरुष भी पैदा हुए जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था, क्योंकि सिर्फ शिक्षा में किताबों की शिक्षा तो ली लेकिन समाज की शिक्षा कभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने समाज के साथ जुड़ता गया, वैसे ही वैसे मुझे अपने समाज के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती रही। असला जी, एक बात बताइए, आज देश के अंदर जो जनसंख्या बताई जाती है बहुजन समाज की, 85% बताई जाती है, जबकि जो 2% के लोग हैं वो बहुजन समाज के ऊपर नहीं, पूरे देश के ऊपर राज कर रहे हैं, उसका क्या कारण है कि बहुजन समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है? देखिए, प्रश्न लगता तो बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, क्योंकि कहने को हम 85% है लेकिन होता क्या है कि हम जब भी जोड़ने की बात करते हैं और कोई मंच पे कोई कार्यक्रम करते हैं आपस का ही, तो सिर्फ हम व्यक्ति को नेता बनाने की कोशिश करते हैं, समाज को कभी नेता बनाने की कोशिश नहीं करते। एक वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। हम जिसके समर्थक होंगे सिर्फ उसका ही नेतृत्व स्वीकार करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि मेरा समाज ही मेरा नेता है, मेरे समाज का हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है, समाज के बच्चे मरते रहेंगे लेकिन हम लोग उनके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे नेता को आपने ऐसे गलत कैसे कह दिया, इस पर हम लड़ मर जाते हैं, जिसके कारण से कभी भी 85% कभी भी एक नहीं हो पाए। पिछले कुछ समय में जो लोग हमारे जो जातियों के नाम पर बटे हुए थे, धर्मों के नाम पर बटे हुए थे, जैसे जैसे उन्होंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, भगत सिंह, उधम सिंह को पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी मानसिक प्रवृत्ति को भी बदला और उसके बाद उनको पता लगा व्यक्ति में ताकत नहीं होती, संगठनों के गठबंधन में ताकत होती है, जिसके बाद से बदलाव आए। 2019 के इलेक्शन नज़दीक हैं, आने वाला चेहरा आप किसको देखते हैं, मोदी को या फिर कांग्रेस के या बहुजन समाज के लीडर जो हैं बहन कुमारी मायावती? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहूँगा, बहन कुमारी मायावती ही एक बड़ी और एक अच्छी लीडर है। और हमेशा याद रखिएगा, मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब SC ST एक्ट बिल पास हुआ था तो कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने एक स्लोगन अपनी दुकानों के आगे लगाया था, मैं SC ST एक्ट का विरोध करता हूँ, मैं सवर्ण समाज का व्यक्ति हूँ, सामान्य वर्ग का परिवार हूँ और मैं SC ST एक्ट का विरोध करता हूँ और मैं इनका भी विरोध करता हूँ। तो भैया, इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाएं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाएं। आप लोग भी सवर्णों को वोट ना दें, आपने इस बार चुनना है बहुजन को। अगर 85% की बात करते हैं तो 85% आपको बनना होगा, तभी बदलाव आएगा।